सारा हुदा। आज के मुख्तसर दर्स में इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने रखनी है। वो निकाह के बाद कैसे निकाह मजबूत हो, शादीशुदा जिंदगी में मजबूती कैसे आए, इस ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखनी है। वक्त के किल्लत को देखते हुए बहुत ज़्यादा तफसीली बातें तो नहीं, लेकिन इख्तसार के साथ कुछ नसीहतें होंगी। जहाँ निकाह करना एक खैर का काम है, वहीं निकाह के बाद निकाह को बाकी रखना और दिन ब दिन निकाह में मजबूती आए, इस बात की कोशिश करना ये ज़्यादा अहम है। आज कितने निकाह तलाक और खुला पे ख़त्म हो जा रहे हैं, कोई एक साल भी नहीं गुजरता, कोई छः महीने में, कोई दो साल में, और इतनी तेज़ी के साथ ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो वजह क्या है? निकाह करना एक खैर का काम था, आखिर क्या वजह है कि निकाह और रिश्ते तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं? उसकी वजह यह है कि बहुत सारी वजूहात हैं। जब भी कोई रिश्ता दीनी उसूलों पर कायम होगा, सही बुनियादों पर कायम होगा, और निकाह के बाद बीवी और शौहर दोनों इस्लामी उसूलों पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह रिश्ते के अंदर मजबूती आती है। लेकिन आज होता यह है कि हर एक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। बीवी ये कहती है मेरा हक नहीं है, या ये काम मेरा नहीं है। शौहर अपने लिए, ये मेरा हक है, मुझको मिलना चाहिए। तो बीवी और शौहर दोनों अपने अपने हक को पाने के लिए नारेबाजी करना और लड़ाई करना इसी में लगे हुए हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर दोनों अपनी जिम्मेदारियों को देखें और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें, तो घर बहुत अच्छा बनता है। घर सुकून का एक समझिए कि मस्कन बन जाता है, सुकून की जगह बन जाती है, और दुनिया ही में एक तस्वीर हो जाती है सुकून की जगह की। लेकिन अगर घर मियां बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो इस्लामी बुनियादों पर नहीं है, तो घर दुनिया ही में जहन्नम बन जाता है। कितने घरों की मिसाल आपके सामने होंगी। तो आज के दर्स में चंद बातें जो हम देखेंगे वो ये कि बीवी के लिए क्या जिम्मेदारी है, उसके बाद शौहर की क्या जिम्मेदारी है, और फिर दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी क्या है। ये तीन बातें देखेंगे और इख्तसार के साथ मैं आपके सामने इसको रखूंगा, क्योंकि यहां हम में से जो लोग बैठे हैं या तो शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं, निकाह करने वाले हैं, दो में से एक ही, तो इसलिए ये जानना जरूरी है ताकि रिश्तों के अंदर मजबूती आए। पहले हम देखेंगे एक औरत की क्या जिम्मेदारी है। सबसे पहली चीज एक औरत के लिए कि वो अपने शौहर का एहतराम करे। जो घर शौहर के एहतराम से खाली हो, शौहर की इज्जत से खाली हो, वो घर ज्यादा दिन नहीं चलता है, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता है जिस घर में या जिस रिश्ते में शौहर का एहतराम ना हो। सबसे पहले एक औरत की जिम्मेदारियों में से है कि वो शौहर का एहतराम करे, उसकी इज्जत करना जाने, उसको अपने ऊपर हाकिम समझे, कभी उसके ऊपर आने की कोशिश ना करे, उसके फैसले को अपनी जिंदगी में लाए, उसके डिसीजन को माने, ये समझे कि मेरी जिंदगी में बड़ा मेरा शौहर है। जिस घर में औरत अपने शौहर से बदतमीजी करे, शौहर की इज्जत ना करे, उसकी बेइज्जती करे, उससे जबान लड़ाए, उस घर में सुकून नहीं होता है और वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता है। या तो शौहर जालिम होगा तो जुल्म के साथ वो रिश्ता बाकी रहेगा, और या तो अगर जालिम नहीं है तो चुपचाप खामोश रहेगा और ज्यादा वक्त घर के बाहर गुजारेगा, घर में नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि घर में जाने के बाद क्या होता है। तो जिस घर में शौहर का एहतराम ना हो वो घर ज्यादा दिन नहीं चलता है। मर्द के अंदर जो कि ईगो ज्यादा होता है, शौहर के अंदर ईगो ज्यादा होता है, हर औरत की जिम्मेदारी यही है। हर औरत को यह समझना चाहिए अगर वो अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती है
उसकी जिंदगी में शौहर का एहतराम बहुत ज्यादा होना चाहिए। शौहर की बात, शौहर का फैसला, शौहर का डिसीजन वो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा माने, उसके अगेंस्ट ना जाए, उसे जबान ना लड़ाए, जो कह दें वो फैसला आखिरी फैसला माने, जायज बातों में, नाजायज बातों में नहीं। आप देखिए अल्लाह फरमाता है अर्रिजालु कवामून अला निसा, कि मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। ये किसने, ये हुकूमत किसने दिया, ये हाकिम किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। जो जोड़ा अल्लाह ने लगाया उसी अल्लाह ने ये बनाया, बताया है कि एक औरत के ऊपर शौहर हाकिम है। जैसे दुनिया में कोई भी जगह हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो मुल्क हो, हर जगह एक हाकिम होता है। घर भी एक हुकूमत है, उस हुकूमत का बादशाह जिम्मेदार शौहर है। और अगर उस हाकिम की इज्जत नहीं होगी वो घर टूट जाएगा। तो शौहर की इज्जत और एहतराम एक औरत पे ये उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत अहम हदीस कि अगर इंसानों में किसी के लिए भी सजदा जायज होता, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा जायज होता, तो आप फरमाते हैं कि मैं औरत को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। क्यों? लिअज्म हक़्क़िही अलैहा, शौहर के हक की अजमत की वजह से। इतना बड़ा हक है एक औरत पर शौहर का कि अगर सजदा भी जायज होता तो औरत को हुक्म होता शौहर को सजदा करे, लेकिन जायज नहीं है, हुक्म नहीं दिया गया, लेकिन इतना बड़ा हक है एक शौहर का उसकी औरत पर। इसलिए जिस घर में शौहर का एहतराम नहीं वो घर, वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। इसको बांध के एक औरत को रख लेना चाहिए कि शौहर का एहतराम करना जाने, उससे जबान न लड़ाए, उसके अगेंस्ट ना जाए और उसकी इज्जत करे, नंबर एक। दूसरी चीज एक औरत की जो जिम्मेदारियों में से है कि वो शौहर चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, जो कुछ वो बीवी के लिए कर रहा है, अपने घर में औरत के लिए कर रहा है, वो औरत अपने शौहर का शुक्र अदा करे, शुक्रिया अदा करे। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। जिस घर में औरत अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती है तो गोया कि उसकी उसके किए पर पूरा पूरा पानी फेर देती है। ये औरत की जिम्मेदारियों में से है। देखिए हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग है, कोई ज्यादा कमाता है, कोई थोड़ा कमाता है, कोई बहुत ज्यादा कमाता है, हर शौहर अपने हिसाब से ही कमाता है, अल्लाह ने जितना उसको सलाहियत दिया है। तो चाहे वो थोड़ा कमा के लाए चाहे ज्यादा कमा के, एक रोटी लेके आता है, आधा खाता आधा खिलाता है, बीवी की जिम्मेदारी है शुक्र अदा करे कि आपने बहुत किया, जो कुछ वो करता है एक औरत शुक्र अदा करे। देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत अहम हदीस है, आप फरमाते हैं कि मुझे जहन्नम दिखाई गई, मैं अरबी ना पढ़ के सिर्फ उसका वक्त के हिसाब से बता रहा, आपने फरमाया कि मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने देखा कि जहन्नम में ज्यादा औरतें हैं। तो जब आप लौट के मेराज से आए और आपने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा देखा है, तो सहाबिया जो थी नबी की जिंदगी में उन्होंने पूछा, नबी ने बताया कि जहन्नम में औरत की ज्यादा आबादी क्यों होगी? उसकी नाशुकरी की वजह से। तो औरतों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह की नाशुकरी, अल्लाह की नाशुकरी? आपने कहा नहीं नहीं, अल्लाह की नाशुकरी नहीं, शौहर की नाशुकरी। यकफुर नल आशीर, वो अपने शौहर की नाशुकरी करती हैं, वो यकफुर नल एहसान, शौहर के एहसान की वो नाशुकरी करती हैं। और आपने मिसाल दिया कि एक शौहर किसी औरत के लिए एक लंबे जमाने तक उसके साथ अच्छा सलूक करता रहे, करता रहे, करता रहे, सब कुछ देता रहे, लेकिन कभी अगर शौहर की जानिब से कुछ चूक हो गई, नहीं कर पाया भाई, नहीं कर पाया, हो सकता है हर साल कपड़े बनवाता है, किसी त्योहार में नहीं बनवा पाया, नहीं था उसके पास, हर दिन मिठाई लेके आता था, आज कुछ लेके नहीं आया घर पे। एक शौहर लंबे जमाने तक करता रहा लेकिन कभी उससे नहीं हुआ, चूक हो गई। तो औरत क्या बोलती है, तुम्हारी तरफ से तो मुझको कभी खैर मिला ही नहीं, यानी उसकी पूरी जिंदगी का एहसान एक जुमले में नाशुक्री, तुम्हारी तरफ से तो मुझको कभी भलाई या खैर नहीं मिला। ये वो गुनाह है जिसकी बुनियाद पे एक औरत दुनिया में सारी इबादतें करने के बाद भी जहन्नम में जा रही है। तो सिर्फ नमाज, रोजा, जकात, सदका, खैरात यही इतना कर लेना
अगर काफी होता, शौहर का एहसान मानना, उसका शुक्रिया अदा करना एक औरत की जिम्मेदारी है, चाहे वो थोड़ा करे ज्यादा करे, औरत माने हां आपने बहुत किया। देखिए इसको शुक्र अदा करने से ना, कभी कभी अगर शौहर कम भी करता ज्यादा करेगा, बेचारा बाहर जाकर कितना मेहनत करता है, खून पसीना लगा के कितना अपने बॉस की डांट सुनता है, क्या क्या सुन करके आता है घर पे, और फिर औरत जो है उसके किए पर पूरा पानी फेर दे, कितना उसको तकलीफ होती है। लेकिन अगर वही औरत कहे बहुत अच्छा है ये सामान, चाहे वो मतलब सस्ता सामान लेके आया, लेकिन फिर भी कहे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा किया, देखिए उसका दिल फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक औरत अपने शौहर जो कुछ करता है वो थोड़ा करे ज्यादा करे, शुक्र अदा करे, कहे आपने बहुत किया, बहुत किया। तो ये एक औरत की जिम्मेदारियों में से याद रखना चाहिए निकाह के बाद हर औरत को, अगर वो अपने घर को बेहतरीन बनाना चाहती है तो। नंबर तीन, एक औरत की जिम्मेदारियों में से ये भी है कि एक औरत अपने शौहर की खिदमत और फरमाबरदारी को अच्छी तरह अदा करे और जाने इसको। एक औरत की जिंदगी में शौहर की फरमाबरदारी और खिदमत ये भरपूर होना चाहिए। शौहर का खाना पीना लिबास कपड़ा जो कुछ जिम्मेदारियां हैं कि एक औरत के ऊपर की शौहर को मिलना चाहिए, वो एक औरत की जिम्मेदारी है कि उसको पूरा करे। शौहर दिन भर बाहर रहता है, सुबह जाना है उसका, उसका कपड़ा है, उसका खाना है, सारी चीजें वो औरत की जिम्मेदारी की ख्याल करे। ऐसा ना हो कि मतलब जो है शौहर बेचारा जो इतनी मेहनत करने के बाद वो घर में आए और ये बिल्कुल उसका कोई ख्याल नहीं, हाँ बस रिमोट लेके टीवी के सामने बैठी है और बेचारा थका मादा आ रहा है, दरवाजा खोल दिया उसके बाद जाके फिर बैठ गई। हाँ भाई खिदमत क्या कर रही है, खिदमत इतना थका मादा बेचारा आया है, होना तो ये चाहिए था कि आने के बाद एक औरत अगर फौरन जो है हर काम छोड़ के फौरन जो है बैठी, आप आ गए आप बैठिए, ये चाय लीजिए पीजिए, और उससे तसल्ली की बातें करे और उसको बहुत सारी चीजें पूछे, उसको मतलब अपनी बातों से उसको खुश करे, आप देखिए उसका सारा दिन भर का टेंशन खत्म हो जाएगा। बीवी की जिम्मेदारी है कि वो शौहर की खिदमत करना जाने, कैसे खिदमत की जाती है, कैसे उसकी इताअत की जाती है कि वो आए तो बहुत सारे काम छोड़ दे। आप बताइए अगर ये नहीं होगा तो एक आदमी का घर पे आने के बजाय वो ज्यादा बाहर जाएगा। हाँ ये कोई शौहर आया, आने के बाद हाँ बीवी अपने काम में बिजी है, मोबाइल लेके बैठी है, सीरियल देख रही है, कोई बेचारा आता है जाके कपड़े वपड़े बदलेगा, अपने बेडरूम में जाएगा या तो फिर चेंज वगैरह चेंज करके कपड़ा बाहर निकल जाएगा। क्यों, बात करने वाला कोई है ही नहीं, वो बाहर जाएगा दोस्तों में ज्यादा देर बैठा रहेगा, हाँ और दोस्तों में बैठा रहेगा उसके बाद तब एकदम बिल्कुल लेट में आएगा। लेकिन अगर वही बीवी शौहर के आने के बाद फौरन उसकी खिदमत और हर चीज के लिए तैयार हो जाए, सब छोड़ दें, आप बताइए उसको कितना खुशी होगी, वो बाहर जाने के बजाय घर में आएगा, बोलेगा मेरा असली दोस्त तो घर पे है। इसलिए बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए औरतों को, इस बात को याद रखना चाहिए कि शौहर की खिदमत और उसकी इताअत ये औरत की जिम्मेदारी है, लाजिम है उसके ऊपर अदा करना चाहिए अगर अपने घर को मजबूत करना चाहती है, निकाह को मजबूत करना चाहती है। इसलिए आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इदा सल्लतिल मरातु खमसा, जो औरत जो है पांच वक्त की नमाज पढ़ ले, वो सामत शहरहा और एक महीने का रोजा रख ले, वो हसनत फरजहा और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और वह अता ज़ौजहा अपने शौहर की इताअत कर ले, इताअत जो कहे वो माने, उसके अगेंस्ट ना जाए, जबान में लड़ाए बहस ना करे, इताअत करे। आप फरमाते हैं जो औरत ये चार काम कर ले, قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, उसे कहा जाएगा कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे चली जाए। आज कितनी बड़ी ये बशारत है एक औरत के लिए कि ये चार काम कर ले बस, पांच वक्त की नमाज पाबंदी से, एक महीने का रोजा और अपनी इज्जत की हिफाजत और उसके बाद शौहर की इताअत। कभी कभी औरत में तीन चीजें पहले होती हैं, नमाज रोजा और हिफाजत अपनी इज्जत की, लेकिन इताअत शौहर की नहीं होती है। जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाने के लिए शौहर की इताअत लाजिम है। तो एक औरत शौहर की खिदमत करना जाने सीखे इसको, शौहर की इताअत और खिदमत जो शौहर कहे उसको माने, तो ये बहुत अहम चीज है। और इसमें और बहुत सारी हदीसें हैं जो मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसलिए एक हदीस है, आप फरमाते हैं कि
دو لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی، مطلب اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے آپ فرماتے ہیں ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، بغیر مالک کو بتائے بھاگ گیا، اس زمانے میں غلامی کا دور تھا، آج تو نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے، تو اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا اس کا کھانا کپڑا رہن سہن دیکھ بھال صحت علاج سب مالک کی ذمہ داری ہوتی تھی، اتنا بڑا احسان ہوتا تھا مالک کا، تو اس کو بتائے بغیر بھاگ جائے، تو جب تک وہ لوٹ کے نہیں آتا ہے اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، کیونکہ اتنے بڑے جو مالک اس کا ہے اس کے احسان کو پورا بھلا کے بھاگ گیا۔ اور نمبر دو آپ فرماتے ہیں وہ عورت جس کا جو عصب زوجہ اپنے شوہر کی نافرمان ہو، عورت جو شوہر کی نافرمان ہو اس عورت کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی، تو نماز پڑھتی رہے اور شوہر ناراض ہو کیا فائدہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ نمبر تین، تیسری بات ہر عورت کو اپنی ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ اگر وہ نکاح کو دن بدن مضبوط کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی خدمت کرنا جانے اور خدمت کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت کرے۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے کہ شوہر جب گھر کے باہر ہو تو وہ شوہر کی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، یہ شوہر اچھی عورت کی پہچان ہے۔ شوہر جب گھر کے باہر ہو تو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شوہر بدنام ہو، کوئی آدمی نہ کہے تیری بیوی ایسا، ایک عورت اپنے شوہر کی عزت کا خیال کرے کہ کوئی بھی حرف میرے شوہر پہ نہیں آنا چاہیے۔ اب ایسا نہ ہو کہ شوہر کے سامنے حجاب کرتی ہے پردہ اور شوہر گھر کے باہر ہے تو بے حجاب گھوم رہی ہے، اب کوئی آ کے بولے گا تیری عورت تو ایسا گھوم رہی تھی، بے عزتی کس کی ہوئی۔ ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے شوہر بدنام ہو، شوہر کی عزت کا خیال رکھے، اس کی غیرت کا خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے کوئی کام کرے ایسا کام، ہاں بہت اچھی شریف، اور جب وہ گھر کے باہر ہو یا وہی عورت جب اپنے میکے میں جائے، یہاں ہے تو بہت پردہ کرتی ہے، وہاں جائے تو بغیر پردہ گھوم رہی ہے اپنے میکے میں، کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا تمہاری بیوی ایسا۔ تو ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غیر موجودگی میں وہ اس کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے، جو کچھ بیچارہ کما کے لا کے رکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بالکل بس اڑا رہی ہے، بازار گئی تو پورا تھیلے میں جو آ رہا سب بھرتے جاؤ، بیچارہ کما کے لا کر کے رکھ رہا اور یہ اڑا رہی ہے، ایسی عورت نہیں چاہیے۔ سمجھدار عورت وہ ہے جو پیسے کا صحیح استعمال جانتی ہو اور وہ جانے کہ میرا شوہر کس کس طرح سے کما کے لا کے دے رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے پیسے کو ایسے اڑا دے، جہاں چاہے خرچ کر دے، نہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنا جانے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر مضبوط ہوتے ہیں، اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو گھر مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسے ہی شوہر کی بھی ذمہ داریاں کچھ ہیں، شوہر کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، شوہر کو کیا کرنا چاہیے، اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرے گھر اچھے ہوں، شادی شدہ زندگی کامیاب ہو، تو ایک شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ہیں، دو تین باتیں اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، کوئی عورت کہہ سکتی ہے کہ بھائی صرف عورتوں کے لیے ہے، بس کیا مردوں کے لیے کیا ہے، تو مردوں کے لیے بھی ہے، اگر ایک آدمی چاہتا ہے گھر اچھا رہے، نکاح کی زندگی خوشگوار گزرے، خوشحال زندگی گزرے، بہترین زندگی گزرے، تو ایک مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیا کیا ذمہ داری مرد کی ہے، نمبر ایک، ایک مرد کو اپنے گھر میں، ایک شوہر کو اپنے گھر میں نا اخلاق والا بن کے رہنا چاہیے، جلاد بن کے نہیں رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ گھر میں آئے تو ہاں سب ڈر جائے، ہاں سب بیوی ڈر گئی، بچے ڈر گئے، سب ایک دم بالکل سب کانپ رہے ہیں، انتظار کریں کب گھر کے باہر جائے گا، ایسا شوہر گھر میں نہیں رہنا چاہیے، اور اگر ایسا کسی گھر میں ہے تو اس گھر میں محبتیں نہیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، وہ ٹھیک ہے میاں بیوی کا رشتہ باقی رہتا ہے بس، لیکن وہ محبت نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں شوہر جلاد ہو، سخت ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرد کا اصل ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا یا احسنہم خلقا، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ سب سے کامل ایمان والا وہ ہے، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ایک مرد کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ باہر تو ہر آدمی اچھا رہتا ہے، ہاں
हर आदमी अच्छा रहे। कभी कोई दोस्त मिल गया, हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसे हो, आइए बैठिए चाय पीजिए, हाँ बहुत अच्छे से मिलता है। कोई दोस्त मिल गया, कोई बाहर वाला मिल गया, कोई कभी कभी मिल गया, कितने अच्छे से मिलता है। घर में आने के बाद उसकी बीवी को मालूम है कैसा है। वो घर में जब आता है उसके मुंह से क्या क्या निकलता है, फूल बरसते हैं जब गालियों के, तब मालूम होता है कि कितना अच्छा है। एक मर्द अपने घर में बाखलाक बन के रहे और बीवी की इज्जत करना जाने। बीवी गुलाम नहीं है, वो जोड़ा है, वो जोड़ा है। अगर दोनों जन्नत में गए तो वहां भी साथ में रहेंगे, वो जोड़ा है, वो गुलाम नहीं है। इसलिए जो मर्द अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं जानता वो घर ज्यादा सुकून वाला नहीं होता है, वो खैर वाला नहीं होता है। इसलिए एक मर्द को भी ये जिम्मेदारी है कि वो बीवी की इज्जत करना जाने और उसी के साथ साथ कभी भी उसको मारे नहीं। हाँ इसको याद रखिए, ये भी दूसरी बात है कि उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत को नहीं मारा है। बाज मर्द ऐसे होते हैं कि बीवी को मारना मर्दानगी समझते हैं, बीवी को मारने से इज्जत घट जाती है। इसको याद रखो, अच्छी तरह बांध के रख लो, उस शौहर की इज्जत कम हो जाती है, बीवी की निगाह में इज्जत घट जाती है मारने से। इस्लाम ने, शरीयत ने जायज रखा है मारना, वो एक बड़ी बहुत मुश्किल काम है कि बीवी जो है बिल्कुल ऐसा बदचलन हो या मतलब उसके अंदर कोई ऐसी बुराई, बेहयाई वाली बुराई आ गई और वो समझाया और उसको बहुत कुछ किया, नहीं मान रही है तो वहां मारने की इजाजत है। ऐसा नहीं कि बाद लोग तो बात ही बातें मारते रहते हैं, कुछ भी हुआ भिड़ा दिए, कुछ भी हुआ थप्पड़ उठा दिया, ये जायज नहीं है। तो एक मर्द की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर में बाअखलाक बन के रहे, एकदम अच्छा बन के रहे और घर में जाए तो खुश हो जाए। हाँ ऐसा ना हो कि घर में जाए तो लोग जो है इंतजार करें बीवी कब घर के बाहर जाएगा, बच्चे इंतजार करें कब निकलेगा, ऐसा नहीं। बाद लोग ऐसे होते हैं, हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी घर के बाहर ऑफिसर भी है और उसके कंपनी में 100 लोग उसके अंडर काम करते हैं तो आदमी घर में आने के बाद क्या समझता, मैं यहां भी ऑफिसर हूं। तू घर में ऑफिसर नहीं है, घर में आने के बाद आम इंसान बन के रहे। तू ऑफिसर बाहर होगा, घर में आ तो एक आम इंसान बन। यहां तू बाप है, यहां शौहर है, यहां तू ऑफिसर नहीं है। तो ये एक मर्द को समझना चाहिए घर में आने के बाद कि वो बाखलाक हो, बीवी की इज्जत करना जाने और कभी उसको मारे नहीं, हाथ ना उठाए। ऐसे ही दूसरी चीज एक मर्द की जिम्मेदारियों में से है कि वो बीवी के जो इखराजात हैं, जो नानो नफका है, जो खर्च है, वो अच्छी तरह अदा करे। ऐसा ना हो जो अल्लाह ने एक मर्द की जिम्मे रखी है, उसका खाना, कपड़ा, लिबास, रिहाइश, इलाज, सेहत, जो मसला है वो शौहर की जिम्मेदारी उसको अदा करे। ऐसा ना हो कि घर के बाहर तो बिल्कुल दोस्तों में होटलों में बैठ बैठे खाने खा रहा है और घर में कभी पूछता नहीं कि है सब्जी है कि नहीं है, लोगों में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, बीवी से पूछता नहीं उसके पास अच्छे ढंग का कपड़ा है कि नहीं है। तो ऐसा शौहर जो घर की जिम्मेदारियां ना अदा करे, बीवी के नानो नफका की जिम्मेदारी ना अदा करे, तो ऐसा घर ज्यादा नहीं चलता है। ऐसा घर बहुत जल्दी निकाह और खुला के टूट जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? एक औरत कितना बर्दाश्त करेगी, कितना बर्दाश्त करेगी। तो नानो नफका बहुत जरूरी है कि एक आदमी अदा करे। बीवी की जो भी जिम्मेदारियां इसके ऊपर हैं, कपड़े हो, चाहे खाने हो, चाहे लिबास हो, सेहत का मामला हो, इलाज का मामला हो, सब अदा करे और सारी चीजें अच्छे से अदा करे, तो ये एक घर अच्छा चलता है। ऐसे ही एक चीज और है कि एक औरत, एक शौहर के लिए एक औरत के ताल्लुक से ये जिम्मेदारी है कि अगर, यानी मर्द की जिम्मेदारियों में से है कि अगर बीवी के अंदर कोई कमी देखता है, कोई कोताही देखता है दीनी एतबार से, तो उसकी इसलाह करने की कोशिश करे। बस ऐसे शौहर भी होते हैं, दयूस किस्म के लोग होते हैं, बेगैरत, कि घर के अंदर अगर मान लीजिए बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, हिजाब नहीं करती है, या अल्लाह के फरामीन को, हलाल और हराम की तमीज नहीं करती है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन देख करके आंख बंद करके रहता है, कुछ बोलता नहीं है, तो ऐसा शौहर भी नहीं होना चाहिए। जहां वो बाअखलाक हो, जहां वो नानो नफका अदा करने वाला हो, जहां वो सारी चीजें अदा करता हो, वहीं वो अल्लाह के दीन के मामले में गैरतमंद हो, गैरतमंद हो। जहां भी अल्लाह का हुक्म टूटता हो वहां बर्दाश्त ना करे, वहां डांटे, मना करे। तो अपने घर की इस्लाह करे,
اور خاص طور پہ بیوی کے تعلق سے اگر بیوی میں کوئی دینی کمزوری دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس کی ذمہ داری ہے، کس کو کہا گیا؟ شوہر حاکم ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ کیسے بچائے گا؟ ان کو تعلیم دے، ان کو ادب سکھائے، ان کو حلال و حرام کی تمیز بتائیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کبھی بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیٹھ کر کے دین کی کوئی باتیں نہیں کرتے کہ بتائیں کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول کا یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، دیکھو یہ گناہ ہے، نہیں کرتے۔ تو یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دینی اصلاح بھی کرے۔ ایسے ہی کیونکہ اللہ کے صحیح بخاری کی حدیث آپ فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، ایک مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، حاکم ہے، وہ چرواہا ہے، وہ پوچھا جائے گا اللہ کے پاس، اس سے سوال ہوگا، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے شوہر کی ذمہ داریوں میں سے کہ وہ بیوی کے خاص طور پہ جنسی خواہشات اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا خیال کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بس جاب، آفس، دکان اور اسی میں لگے رہتے ہیں اور کبھی وہ اس کے خواہشات کی تسکین نہیں کرتے، اس لیے یہ گھر بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری عورتیں جو بھاگ جاتی ہیں یا بہت سارے گھروں میں ایسا ہو جاتا ہے اس کی وجہ شوہر ہوتا ہے، کہ شوہر اس بات کا خیال نہیں کرتا ہے۔ بہت ذمہ داری ہے کہ شوہر ان سب چیزوں پہ دھیان دے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، ایک تو عورت کی ذمہ داری کیا ہے وہ ادا کرے، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ادا کرے۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو شوہر بیوی دونوں کو دیکھنا چاہیے، دونوں کی کامن ذمہ داری ہے۔ کیا کیا ہے؟ نمبر ایک، دونوں جو ہے ایک دوسرے کے عیب کو نہ دیکھیں، عیب پر نگاہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جس گھر میں عیب پر نگاہ رکھا جاتا ہے وہ گھر زیادہ دن نہیں چلتا ہے۔ عیب کا مطلب ہمیشہ وہ عیبوں کو دیکھے، بیوی کے اندر ایسا، بیوی کے اندر یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یا بیوی شوہر کے اندر یہ عیب، یہ عیب، یہ عیب۔ تو ہم کو اسلام نے ایک اصول دیا ہے کہ عیب کو دیکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ دنیا میں نا کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے اندر عیب نہ ہو، میاں بیوی کوئی جنت سے اتر کے نہیں آئے کہ ان کے اندر عیب نہیں ہوگا۔ ہوگا، اختلاف ہوگا، زبان کا اختلاف ہوگا، رنگ کا اختلاف ہوگا، نسل کا اختلاف ہوگا، ہاں جگہ کا اختلاف ہوگا، ہوگا، اور اختلاف کی وجہ سے کچھ عیب بھی ہوں گے۔ اسلام ہم کو اصول دیتا ہے عیب کو دیکھنے کے بجائے خوبیاں دیکھے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے اندر دیکھے اگر کوئی عیب ہے تو بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی، ایک مرد دیکھے اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے تو بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی۔ جس گھر میں عیب پر نگاہ رکھی جاتی ہے نا تو وہ گھر زیادہ دن نہیں چلتا ہے۔ اب مان لیجیے ہمیشہ کوئی عیب ہے، اسی کو گھر میں سب لوگ اسی کو بار بار تانا دیتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ساس ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے اس کی بہنیں ہوں۔ اب بیوی گھر میں آئی، بار بار اس کا کوئی عیب لے کے تانا دینا، تم کو یہ نہیں آتا، تم کو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، کیا ہوگا؟ بہت جلدی وہ گھر ٹوٹ جائے گا۔ وہیں شوہر یہ دیکھے کہ اگر میری بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجیے اس کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا مثال کے طور پہ، تو یہ دیکھے کہ میری بیوی اس کے علاوہ کتنی خوبیاں اس کے اندر ہیں، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، میری اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، میرا حکم مانتی ہے، کبھی مجھ سے زبان لڑاتی نہیں، ہر بات مانتی ہے، اتنی ساری خوبیاں ہیں، تو اگر کچھ تھوڑا بہت ہے جانے دوست۔ یہ دیکھنے کے بعد نگاہ میں اگر خوبیاں ہوتی ہیں نا تو عیب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے بیوی دیکھے کہ میرے شوہر کے اندر اگر مان لو کوئی عیب ہے تو خوبیاں کتنی ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، میں جو کچھ کہہ دیتی ہوں فوراً سن لیتے ہیں، لے آتے ہیں، ہاں اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، ساری چیزیں دیکھیں۔ تو اسلام ہم کو بتاتا ہے کہ ایک اچھا گھر اگر چلانا ہے، میاں بیوی کے رشتے مضبوط کرنا ہے، تو نبی نے ہم کو ایک اصول دیا۔ کیا اصول ہے؟ کہ عیب کو دیکھنے کے بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھو، کیونکہ عیب کو دیکھتے دیکھتے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، خوبیاں دیکھنے سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی کو عیب نہ دیکھ کے خوبیاں دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیسا معلوم ہے، اگر بہو گھر میں آئی، کوئی عورت کا نکاح ہوا، تو اگر کوئی ایک چیز مل گئی نا پورے گھر میں سب کے سب وہ تانا دیتے، تانا دیتے، تم کو یہ کھانا بنا، چائے بنانا نہیں آتا، کیا سکھایا تمہارے گھر والے، ہاں تانا دے، اور روزانہ وہی بات گھوم گھوم کے بولنا، یہ کیا، یہ کوئی عیب ہے؟ یہ کون سا عیب ہے بھائی؟
कोई दीनी आयब है जिसको बयान किया जाए। तो ये बहुत अहम चीज है कि हर घर की जिम्मेदारी है, हर मियां बीवी की जिम्मेदारी है कि आयब को नहीं देखना चाहिए, खूबियों को देखना चाहिए, घर अच्छा चलेगा। नबी फरमाते हैं ला यखलुक मुमिनु मुमिना इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर, कि कोई मोमिन मोमिना औरत पे आयब ना लगाए, यानी कोई शौहर बीवी पर आयब ना लगाए। अगर उस शौहर को बीवी की कोई अदा ना पसंद होगी तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो उसको पसंद होगी, दूसरी ऐसी आदतें पसंद होगी। तो ये याद रखना चाहिए जिससे घर अच्छे होते हैं, आयब को नजरअंदाज करके खूबियों को देखना चाहिए। ऐसे ही दूसरी चीज ये भी है कि दोनों के लिए जिम्मेदारी है, मियां बीवी दोनों की जिम्मेदारी है कि गलतियों पर सब्र करना चाहिए, सब्र करना सीखना चाहिए। मान लीजिए बीवी है और उसके अंदर कोई ऐब है, या शौहर है उसके अंदर ऐब है, तो फौरन इस्लाह हो जाए जरूरी नहीं है। कुछ लोग ना इतने सख्त होते हैं, अभी फौरन इस्लाह होना चाहिए। आज बहुत सारे घर जो टूटे हैं ना उसकी वजह सख्ती है, सख्ती। शौहर चाहता है जो मैं कह दिया फौरन फौरन हो जाना चाहिए, और बीवी समझती है फौरन इस्लाह हो जाना चाहिए, नहीं होता है। सब्र करना एक औरत को सब्र करना सीखना चाहिए और एक मर्द को सब्र करना आना चाहिए कि अगर कोई गलती है ना तो धीरे धीरे इस्लाह होगी, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। एक औरत अभी बच्ची है, घर निकाह होकर के घर पे आया है, बहुत सारी जिंदगी की चीजें वो नहीं जानती है। जैसे एक मर्द होता है उसको जिंदगी के बहुत सारे मामला नहीं मालूम होते हैं, धीरे 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 सीखते सीखते वो जिम्मेदार बन जाता है, अब वो जिंदगी जीने लगता है। ऐसे औरत भी होती है, धीरे 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 सीखते सीखते, शुरुआत में उसको घर अच्छा चलाना नहीं आता है, मैनेज करना नहीं आता है, लेकिन धीरे 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 वही औरत सीख जाती है और सीखने के बाद बेहतरीन घर चला लेती है। कब होता है? सब्र। इन्ना नसर मअस सब्र, की अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती है। ये जिम्मेदारी है एक शौहर की और बीवी की, अगर कोई ऐब है तो फौरन इस्लाह करने की, फौरन जो है उसको तोड़ ना दे। हाँ, समझाता रहे लेकिन सब्र करे। बाज लोग होते हैं कुछ थोड़ा बहुत हो गया, कितनी औरतें होती हैं, थोड़ा बहुत कुछ हो गया जाके अपने बाप के घर पे बैठ जाती हैं, बाप के घर पे जाके बैठ जाती हैं, थोड़ा कुछ हो गया। सब्र करना भाई, सब्र कर, सब्र में खैर है। और कभी कभी भाई भी होते हैं, हाँ बेट कुछ भी होगा ना फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा 2 बजे रात को। ये जाहिल अपने घर को बिगाड़ता है, अपनी बहन के घर को बिगाड़ता है। इसको नहीं मालूम कितनी आज औरतें लड़कियां सिर्फ माँ और बाप के ऐसे सख्त रवैये की बुनियाद पर घर पे बैठी है। सब्र करना सिखाया नहीं जिंदगी में कि धीरे 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 वो खत्म होगा, एक बैग खत्म नहीं होगा। अभी निकाह हुआ है, घर पे गई है, और धीरे अगर मान लीजिए कुछ मसाइल आ गए, कभी कभी औरत को रहना पड़ता है साथ में, ज्वाइंट फैमिली होती है हिंदुस्तान में ऐसा है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 वो खत्म होगा। एक बैग में कभी 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लग सकता है, लेकिन सब्र करना आना चाहिए एक औरत को, और औरत के माँ बाप भाई बहन को भी जाना चाहिए कि सब्र करना कैसे औरतों को सिखाया जाए, कि कैसे वो अपने शौहर के घर में कैसे सब्र करे और कैसे अल्लाह की मदद आती है। बहुत सारे वाकयात में सुना नहीं रहा हूं कैसे सहाबियात ने सब्र किया है और कैसे वो ऐसे घरों में गई और सब्र करने के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली आई। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर की बेटी हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बहन है, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह के नबी की बीवी है, हजरत अबू बकर की बेटी है। एक दूसरी बेटी अस्मा रजी अल्लाह अन्हा, उनका निकाह हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हा से हुआ। जुबैर रजी अल्लाह अन्हा बहुत गरीब थे, बहुत गरीब साबित थे, कुछ भी नहीं था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा बहुत मालदार थे, बहुत मालदार थे, उनके घर में नौकरानियां काम करती थी। हजरत अस्मा ने कभी खाना तक नहीं बनाया था, कभी खाना चूल देखा भी नहीं था, नौकरानियां घर में काम करती थी। और अबू बकर रजी अल्लाह तआला उन्होंने अपनी उस बेटी का निकाह हजरत जुबैर से किया। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह के नबी ने हजरत जुबैर को जन्नत की बशारत दिया था। वो 10 खुश नसीब लोग जिनको दुनिया ही में नबी ने जन्नत की बशारत दिया था, उसमें हजरत जुबैर रजी अल्लाह भी थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अस्मा, जो इतने नाजो नेमत में पली हुई थी, उनको हजरत अबू बकर ने हजरत जुबैर के साथ निकाह कर दिया। बहुत गरीब थे, यहां तक कि हजरत अस्मा कहती हैं कि मुझको जब मैं अपने शौहर के घर, हालांकि वो रिश्ता कहती है कि मुझको पसंद, दिल में नहीं पसंद था, लेकिन चूंकि बाप ने किया है चुप रहो, बाप ने कहा है मंजूर है। वो बहुत वफादार लोग थी,
कहती हैं कि मैं खाना बनाना तक नहीं आता था मेरे को, नहीं आता था मेरे को, मैंने कभी देखा नहीं था खाना, मुझे नौकरानियां लाके देती थी। लेकिन जब उस घर में गई हैं तो कहती हैं मैंने खाना बनाना बाजू के मोहल्ले की लड़कियों को बुला करके मैंने खाना बनाना सीखा, मुझको नहीं आता था। पानी भर के लाती थी बाहर से मैं, एक लड़की इतना नाजो नेमत में पली हुई थी, लेकिन वहां गई शौहर के घर पे, वहां कुछ मसाइल थे, वहां कुछ मुश्किलात थी, वो अपने बाप को जाकर के शिकायत नहीं कर रही, ऐसा है कहां घर में भेज दिए, कुछ नहीं सीखा उन्होंने। पानी भर असमा बिनते अली बकर पानी घर भर के बाहर से लेके आती थी। कहती है कि मैं अपने शौहर का जो घोड़ा था उसको चारा भी मैं देती थी, मैं चारा भी देती थी, बहुत अहम चीज है। और उसके बाद लेकिन कभी शिकायत नहीं किया। लेकिन वही असमा बिनते अली बकर कहती हैं कि अल्लाह ताला ने उसके बाद जब मेरे शौहर को माल दिया है, इतनी दौलत आई हजरत जुबैर रजी अल्लाह की, आप तारीख पढ़ें, जब उनका इंतकाल हुआ तो कई कम से कम 10 मुल्कों में उनकी प्रॉपर्टी थी। ये होता है कि एक औरत को सब्र करना आना चाहिए। ये मिसाल मैंने इसलिए दिया कि एक नाजो नेमत में पली हुई लड़की हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी है, एक ऐसे घर में जाती है जहां तकलीफें मुश्किलात है, लेकिन सब्र करके रहती हैं और सीखती हैं, और अल्लाह ताला बाद में आसानियां खोल देता है। इसलिए एक औरत को फौरन जो है फैसला नहीं लेना चाहिए, सब्र करना आना चाहिए घर में जाकर के, ताकि घर अच्छा चले। थोड़ा कुछ हो गया, सास ने बोल दिया, कुछ कर दिया, फौरन जाकर के अपने बाप को, भाई को, किसको कुछ को बुला के लाते, सब गलत चीजें हैं, घर तोड़ने वाले लोग हैं, सब नहीं करना चाहिए। तो ये जो है और बहुत सारी चीजें हैं, मैं वक्त के हिसाब से आगे बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें और बहुत सारी नसीहतें हैं कि मियां बीवी को और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें। नरमी होना चाहिए दोनों के अंदर, नरमी, शौहर भी नरम हो, बीवी भी नरम हो। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिस घर में अल्लाह ताला खैर का फैसला कर देता है, उस घर पे अल्लाह ताला नरमी उतार देता है, पूरे घर के लोग नरम हो जाते हैं, बीवी भी नरम, शौहर भी नरम, बच्चे भी नरम, घर के सब लोग नरम, सास भी नरम, सब नरम। तो याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत की पहचान है जिस घर के सारे लोग नरम हो, वो घर पे अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ताला उन घर वालों से मोहब्बत कर रहा है, खैर का फैसला है। इसलिए शौहर को, बीवी को सब नरम होना चाहिए, शौहर की जिम्मेदारियां और बहुत सारे इसमें हैं। लेकिन ये जो आज के पूरे दर्स का खुलासा है, मैं इख्तसार करता हूं आखिरी बार, कि आज के पूरे दर्स का जो खुलासा है कि निकाह के बाद कैसे निकाह मजबूत हो, कैसे मियां बीवी के रिश्ते दिन ब दिन मजबूत हों, उसके लिए जिम्मेदारी ये है कि बीवी अपने जिम्मेदारियां अदा करें, शौहर अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, और कुछ जिम्मेदारी ऐसी है दोनों की है, दोनों मिलके उसको अदा करें तो घर अच्छा चलेगा, बेहतरीन चलता है, और घर में खुशहाली आती है, सुकून आता है, बच्चे अच्छे होते हैं, और घर एक तरह से जन्नत की तस्वीर बन जाती है। लेकिन अगर अपनी जिम्मेदारियां अदा ना हो तो घर दुनिया ही में जहन्नम की एक तस्वीर बन जाती है। कितने लोग घर के बाहर जिंदगी गुजारते हैं और बोलते हैं घर में जाओ तो सुकून खत्म हो जाता है, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को जो शौहर बीवी के दरमियान जो जिम्मेदारियां हैं उसे अदा करने की तौफीक अदा फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला इल्म हासिल करने की तौफीक दे, और जो कमियां हमारे अंदर हैं उसको इस्लाह करने की तौफीक दे, और जो अल्लाह ताला हमसे अभी तक गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की तौफीक दे। आमीन। तकब्बल या रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहु बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।